आज का हमारा टॉपिक है विजुअल स्टूडियो 2010 का इंस्टॉलेशन। जब हम विजुअल स्टूडियो 2010 इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल तो सक्सेसफुल हो जाता है, पर वो विजुअल स्टूडियो हमारा जो एप्लीकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा इस लिस्ट में आता नहीं है। जैसे ये लिस्ट में आ रहा है विजुअल स्टूडियो 2015, ऐसे वो आता नहीं है विजुअल स्टूडियो और हम उसे स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर हम उसे रन कमांड से चलाते हैं, विंडो आर करके ऐसे रन कमांड से हम उसे स्टार्ट करते हैं, DEVENV ऐसा करके लिख के अगर हम उसे स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने एक एरर आती है और वो बोलता है कि आप सर्विस पैक डालिए, इंस्टॉल करिए VS का सर्विस पैक। और जब हम सर्विस पैक इंस्टॉल करते हैं तो ये एरर आती है। तो ये दोनों चीजें हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम सर्विस पैक डालें। मैं आपको सर्विस पैक का लिंक दूंगा प्रॉपर, जिससे आपका सर्विस पैक आराम से इंस्टॉल हो जाएगा और एरर नहीं आएगी और आपका विजुअल स्टूडियो भी स्टार्ट प्रोग्राम्स में आपके आ जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, है हमारा सेटअप है विजुअल स्टूडियो 2010 का। इसको हम क्लिक करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और ये ऐसे खुल जाएगा हमारे सामने विजुअल स्टूडियो 2010। और हम यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद पूरा आ जाएगा लोडिंग कंप्लीटेड, क्लिक टू कंटिन्यू। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आई हैव रेड लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद फुल पे क्लिक कर देंगे जिससे फुल इंस्टॉलेशन हो जाए। यहाँ पे दिखाएगा कौन से ड्राइव में करना है, आपको सी ड्राइव में ही करना है। और यहाँ स्पेस दिखाएगा रिक्वायर्ड कितना है, आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दें और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी सारे विजुअल स्टूडियो के सारे कंपोनेंट्स की। और ये सक्सेसफुल देखिए हमारे सामने आ गया रिजल्ट कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। एग्जिट कर दीजिए आप यहाँ पे। और जब हम अपना यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा नहीं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होने के बाद भी। ये देखिए कहीं भी हमें मिल नहीं रहा। ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे विजुअल स्टूडियो, फिर भी हमारे इस लिस्ट में वो आ नहीं रहा। अब हम अपना सी ड्राइव में जाके जहाँ हमारा इंस्टॉल हुआ है DEVENV, विंडो आर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए विजुअल स्टूडियो की एक रन कमांड है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जब मैं इसे स्टार्ट करूँगा तब हमारे सामने ये एरर आएगी कि सर्विस पैक 1 इंस्टॉल करिए आप। और सर्विस पैक 1 ये बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट से इंस्टॉल करिए। मैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे जब इसे सर्च करूँगा सर्विस पैक 1 एकदम ऑथेंटिकेटेड सोर्स से, तो ये प्रॉब्लम है जब ज़्यादातर बोला जाता है ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आप डाउनलोड करें। और ये सर्विस पैक हम जब मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग आ जाएगा। ये हमारा डाउनलोड हो गया, ये देखिए KB2736181 ये हमारी अपडेट है विजुअल स्टूडियो 2010 की, ये हमारी इंस्टॉल हो रही है, सॉरी डाउनलोड हो रही है, ये हमारी अपडेट यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। इसे रन कराते हैं, शो इन फोल्डर और ये आ गया। और जब मैं इसे यहाँ पे रन कराऊंगा ये देखिए रन हो गया और हमारे सामने ये एरर आ गई। ये बहुत ही ऑकवर्ड चीज है कि जो हमें बोला हमने वो किया फिर भी ये एरर आ रही है, डज नॉट अप्लाई और इज ब्लॉक्ड बाय अनदर कंडीशन। ये होता क्या है कि आपका विजुअल स्टूडियो 2010 दूसरी चीजें आपकी सर्विस पैक 1 से आपकी अपग्रेडेड है, विंडो 7 या दूसरी एप्लीकेशंस आपकी अपग्रेडेड हैं, पर ये विंडो विजुअल स्टूडियो 2010 नहीं है, इसलिए कॉम्पेटेबल इशू आता है इसके अंदर, तो हमें इसे भी करना होगा। और इस लिंक पे जाने से कुछ होगा नहीं जैसे अभी हमने डाउनलोड किया था। तो अब मैं आपको इसका दूसरा लिंक दूंगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा लिंक, ये देखिए इस लिंक से आपको डाउनलोड करना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तुरंत EXE डाउनलोड होने लग जाएगी। आपको कहीं भी डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना है, कहीं भी नेविगेट नहीं करना है, सिर्फ आप ये URL डाल दें अपना ब्राउजर के अपने URL बॉक्स में, ये URL डाल दें
और आपका ये EXE तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। ये है KB983509, ये आपको डाउनलोड करनी है, ये वाली नहीं करनी है जो एरर आ रही थी, ये ओल्ड है। और जैसे ही आपकी ये EXE डाउनलोड हो जाएगी आप उसे इंस्टॉल कर लें। जैसे ही वो आप इंस्टॉल करेंगे आपके विजुअल स्टूडियो आपके स्टार्ट मेन्यू में भी आने लग जाएगा और तुरंत आप अपना विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें सोशल मीडिया पे, फ्रेंड्स में अपने टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।